हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 35 जेई मेन 1989 क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस r इज इक्वल टू 0 हैज ऑलवेज टू रियल रूट्स, टू पॉजिटिव रूट्स, टू नेगेटिव रूट्स, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव रूट। ये आपको बताना है इस इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, पी है, तो माइनस पी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वन है, राइट। और अल्फा बीटा आप करोगे तो ये क्यू के इक्वल हो जाएगा क्योंकि क्यू बाय वन करेंगे तो ये क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगली इक्वेशन आपको दे रखी है ये सेकंड इक्वेशन, इसके लिए सम ऑफ रूट्स आपका क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये हो रहा है आपका आर के इक्वल, राइट। देन अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 का प्रोडक्ट आपका है एस के इक्वल। देन अल्फा डैश बीटा डैश अगर आप रूट मान लो इस तीसरी इक्वेशन का, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा रूट्स का, वो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब q की वैल्यू यहां से पुट करेंगे हम तो 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और r की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया किसके इक्वल, अल्फा डैश बीटा डैश के इक्वल हो गया, राइट। तो यहां से क्या पता लगा आपको, अल्फा डैश बीटा डैश माइनस आप कॉमन ले लो यहां से, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 2 माइनस टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन के साथ ये आपका बन जाएगा माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बन रहा है विच इज लेस देन 0, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब दो रूट्स हैं आपके, ठीक है, अल्फा डैश और बीटा डैश, ये नेगेटिव कब होगा, जब एक रूट तो आपका पॉजिटिव हो और एक रूट आपका नेगेटिव हो, ठीक है ना, तभी ये नेगेटिव आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट इसी कंडीशन में। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर, वन रूट, रूट्स आर रियल एंड अपोजिट साइन, ये आप कह सकते हो। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द इक्वेशन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन हैज नो रूट, वन रूट, टू इक्वल रूट्स एंड इनफाइनाइट मेनी रूट्स, ये आपको दे रखा है। अब ये जो इक्वेशन आप दे रखी है इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वन मिलेगा क्योंकि ये दोनों टर्म तो आपकी क्या दिख रही है, सेम ही दिख रही है, तो हम यूं कह सकते हैं ये इससे कटी तो एक्स इज इक्वल टू वन बना, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू वन क्या इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, बिल्कुल नहीं, एक्स इज इक्वल टू वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में अगर आप वन रख देते हो, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पर आप वन रख देते हो एक्स की जगह पर, राइट, तो फिर क्या मिलेगा आपको, अगर यहाँ एक्स की जगह आप वन पुट कर देते हो तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यह हम क्या कह सकते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू वन इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, हेंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, नो रूट्स, ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता,